अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फरहाद। आज आप देख रहे हैं तीतरबाज़ यूट्यूब का चैनल। तीतरबाज़ यूट्यूब के चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। यार अभी जल्दी जल्दी में एक भाई मुझे दो तीन कमेंट कर चुके हैं कि भाई दखनी तीतर के बच्चों पर वीडियो बनाओ, एक महीने से लेके दो महीने तक के, एक दिन से लेके दो दिन तक भाई वीडियो बनाओ, भाई वीडियो बनाओ। पहले तो यार भाई आप पिजन ट्रेडर आई थिंक आपने नाम रखा, तो भाई पहले तो बात है यार, एक छोटी सी बात है मेरी, अगर बुरी लगे तो सॉरी। कोशिश किया करें थोड़ा सा पेशेंट रखा करें, सब्र रखा करें, क्योंकि मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ। जिन भाइयों ने मुझे सुबह से कमेंट किए हुए, मेरा काम है आज रात तक उनकी वीडियो सारी एडिट करके अपना काम ख़त्म करना, फिर आगे मैं देखूँगा ना। आपको मैंने अगर एक दिन का टाइम दिया, एक दिन का मतलब ये होता है कि यार कि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। एक वीडियो मैंने अभी सुबह से लगाई थी काले थे बच्चों का डर खत्म करने के, अभी जाके अपलोड हुई है। दूसरी मैंने रात से लगाई थी, आज दिन को अपलोड हुई है, क्योंकि कश्मीर में नेट हमारा नहीं चल रहा उस हिसाब से। 4G जो डिवाइस है मेरी वो तो सर्विस ही नहीं दे रही, क्योंकि जो जगह मेरा घर है उस जगह पर 4G की सर्विस ही नहीं आ रही, 3G आ रही है। तो जिसकी वजह से अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दखनी तीतर, काले तीतर के बच्चों के लिए भी सेम चीज़ है, दखनी के लिए भी सेम चीज़ है। दखनी तीतर के बच्चों में पहले तो मैंने कुछ माइंड में अपनी चीज़ें रखी हुई जो आपको समझाता हूँ। पहले तो दखनी तीतर के फर्स्ट दिन जैसे बच्चे निकलते हैं आपके पास, मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, जिस दिन बच्चे निकलते हैं आपने 24 घंटे उन्हें कुछ नहीं देना होता। 24 घंटे के बाद आपने उन्हें समझ लें कि दाल मूँग की उबाल के सेहत के से गाल के जिसको बोला जाता है, गाल को बिल्कुल जब दलिया समझें वो डाल सकते हैं आप। सेकेंड नंबर चीज़, एक नंबर या जीरो नंबर फीड भी डाल सकते हैं या 4 नंबर फीड को गीला करके दे सकते हैं। पानी आपने उन्हें डायरेक्टली नहीं देना फर्स्ट स्टार्ट में। अगर स्टार्ट में आप उन्हें डायरेक्टली पानी देंगे तो फिर बच्चे जब पानी पिएंगे तो उसका नाक डूब जाएगा। पानी देना किसी छोटे बर्तन में दो, लेकिन ये पिंदे भी बड़े समझदार होते हैं। लोग ये कहते हैं यार कि इनका नाक डूब जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है, भाई कुछ नहीं, ये खुद समझता है पिंदा कि मैं अगर नाक डूबाऊंगा मुझे जुकाम हो जाएगा, अपना नाक कभी नहीं दुबाएगा, वो आस्था से पानी ऊपर से पी लेंगे। लेकिन बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी सी समझे जल्दबाजी करते हैं, पानी समझे आपने किसी प्लेट वगैरह में या किसी चौड़ी प्लेट में रख के देना है जहाँ से वो पानी पी लें। ठीक जी, पानी अगर आप डायरेक्टली देते हैं अभी मौसम गर्मी का आप दे दें, नहीं तो आप फीड गिली करके दे सकते हैं या दाल जो उबाली होगी आपने उसमें से उनकी नमी पूरी हो जाएगी, लेकिन इस तरह दे सकते हैं। उसके अलावा खुराक में आप उनको पहले जब स्टार्ट में तो एक हफ्ते तक तो यही खुराक देते हैं नॉर्मली, जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं। इनमें मेल फीमेल का इस तरह पता चलेगा बच्चों में कि स्टार्ट में ही बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देंगे। लड़ाई कैसे करेंगे कि एक दूसरे से नर जो नहीं नर मारना शुरू कर देंगे मादियों को, मादियाँ भी आगे से, जो नर आप देखेंगे जो ज़्यादा लड़ रहा है बार बार लड़ रहा है वो नर होगा। आप उसकी टांग पे धागा भी बांध सकते हैं, धागा नहीं बांधना ये नौके कट जाए बिल्कुल, यानी कि टाइट करके हल्का सा धागा बांध दें, हल्का सा मार्कल से वैसे मैं निशान लगाता हूँ, आप निशान लगा दें तो आपको ईजिली पता चल जाएगा यार ये मेल है और ये फीमेल है। जब थोड़े थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि थोड़े बड़े होंगे तो फिर वो लड़ाई तो नहीं करेंगे लेकिन पता चल जाएगा। उसके अलावा आप उन्हें खुराक में जब ये देंगे तो उसके रेगुलर ये खुराक देते रहें। उसके अलावा इजाफी खुराक में आप उन्हें क्या दे सकते हैं, एक तो आप उन्हें मट्टी भी देंगे टाइम टू टाइम, जब बड़े तीतरों को मट्टी में डालेंगे साथ। अगर आपके पास बड़ा मेल फीमेल है ही नहीं, आपने सिर्फ दो इतने इतने बच्चे खरीद लिए या किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट कर दिया, अक्सर होते हैं दोस्त अंडे दे जाते हैं बाद में बच्चे निकलते हैं, मुर्गी के नीचे से अगर अंडे निकलवा रहे हैं फ़ौरन बच्चे मुर्गी से इलादा करें, उसका नुकसान ये होता है मुर्गी को समझ नहीं आती बच्चों को। अक्सर मैंने देखा है मुर्गियों को पाँव उड़ा के बच्चे डेड कर देती हैं, मर जाते हैं बच्चे, फिर नुकसान हो जाता है हमारा, नहीं करो आकाश, फिर बच्चे जैसे मर जाते हैं हमारा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे मुर्गी से इलादा कर लें, एक बटेर ले लें फार्मी, आपको मिल जाएगा फार्मी बटेर की मादी 100-150 रुपये की यार मार्केट में मिलती है, हर परिंदे की दुकान पर पड़ी होते हैं बटेर फार्मी, एक मादी उठा के लिए मादी इजीली उसको बोलें यार मादी दो, मादी की छाती पर सफेद सफेद डार्ट होते हैं, डार्ट्स की वजह से इजीली आपने देखे मादी एक लेके आ जाना। उन्हें करना ये आपने स्टार्ट में उन्हें पिंजरे में नहीं डालना, अगर पिंजरे में तब तक नहीं डालना जब तक थोड़े बड़े हो जाते हैं। स्टार्ट में आपने ब्रूडर बनाना है, ब्रूडर कैसे बनाना है, एक कार्टन ले लें, उस कार्टन के अंदर आपने समझ लें कि एक और कार्टन का गत्ता रखना है, गत्ते के ऊपर आपने बुरादा डालना है बिल्कुल 0 नंबर बुरादा, एक तो मोटा इतना होता है उतना नहीं, बिल्कुल 0 नंबर बुरादा डाल देना है। ठीक, उस बुरादे के ऊपर आपने एक लाइट, एक कोने पे आपने लाइट लगानी है, दूसरा कोना खाली रखना है ताकि जब उन्हें सर्दी लगे वो लाइट में आ जाए, क्योंकि गर्म जिंदगी या ठंड मौत है ये बात याद रखें, वो इधर आ जाए, जब उन्हें समझ लें कि मौसम लगे कि चेंज हो रहा है वो दूसरी तरफ चले जाए, इस चीज़ से वो ईजिली कर सकते हैं। आप उन्हें इस तरीके से लगातार 2 महीने से क्या कि 3 महीने तक रख सकते हैं, जब तक बच्चे इतने इतने नहीं होते, जब इतने होते हैं आप उठा के उन्हें केज में डाल दें। ठीक है, मेल फीमेल आपने कन्फर्म किए होंगे, फिर उनको शुरू से अलादा करें। ठीक है, मादी का ये काम होगा जो बटेरे की मादी होगी उसका काम ये होगा, वो जब दाना चुगेगी तो बच्चे उसको देख के उसको माँ की तरह समझेंगे, तीतरी की तरह समझ के फ़ौरन से आके दाना चुगना शुरू कर देंगे, वो जब पानी पिएगी पानी पिएंगे, इससे ये फ़ायदा होगा। अगर आपके पास नहीं है, आप जब कुनारी में दाना उनके आगे रखोगे कोई भी चीज़ खाने के लिए, आप अपना इस तरीके से चूँच बीच में मारोगे, अपना हाथ पास ले जाके अपने मुँह से
इस तरह करते रहोगे तो वो बच्चे समझ देंगे यार कि ये चूंच मार रहा है तो ये कुछ खा रहा है, तो फिर बच्चे भी आने के खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट में उन्हें समझ नहीं आएगी क्या चीज़ खानी है क्या नहीं। दूसरी चीज़, एक चीज़ से पक्का गुरेज करना है, कोई फालतू चीज़ काटन में ना पड़ी होनी चाहिए, कोई पत्थर का दाना या कुछ। इन बच्चों की एक बुरी आदत ये होती है, हर चीज़ को अपने मुँह में डाल के चबाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को खाने की चीज़ ये समझते हैं, जिसकी वजह से कुछ और हो सकता है। पानी जब आपने देना है, पक्का पानी लगा रखें तब भी कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देता हूँ पक्का लगा सके। अगर आपने सब्र करना था तो कल मैंने आपको दखनी तीतर के बच्चे आपने दिखाने भी थे जो मेरे पास है, वो तो काफ़ी इतने इतने हुए हुए हैं, बच्चे भी मैं आपको दिखाने थे और साथ उन पर वीडियो भी बनानी थी, लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा उसके अलावा आप इन्हें समझ लें कि थोड़ी सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं, पालक वगैरह जैसे खाएंगे वो हल्के फुल्के, उसके अलावा इन्हें खोलना है थोड़ा बहुत कमरे के अंदर ताकि ये भागें दौड़ें अपनी टांगें ढीली कर लें। तो बाकी ये वीडियो यार काफ़ी लॉन्ग होगी, अभी दखनी बड़ी बात करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काले तीतर के बच्चों की, क्योंकि वो थोड़े से इनसे डिफरेंट होता है। उसके अलावा आप इन्हें टिड्डा भी खिला सकते हैं और दीमक, दीमक अगर आपको मिल जाए ना तो रोज़ खिला सकते हैं। अगर कीड़े बनाने की आपको तरीका पता है, थोड़ी सी खल ले लें इतनी सी यार, तो उस खल को एक समझ लें कि रख लें बर्तन, उसमें उसको चूड़ा करके ऊपर पानी उसके डाल देना है, पानी डाल के उसको रहने देना है जब तक पानी वो जज्ब करती है, पानी जज्ब करती है ऊपर और पानी डाल के उसको ऐसी जगह पर रख देना जहाँ मक्खियों का आना जाना हफ्ते दस दिन में नहीं बल्कि 3 से 4 दिन में उसके अंदर कीड़े बन जाएंगे। जब हाथ लगोगे नीचे कीड़े निकलेंगे, वो भी रख दो खा देंगे, लेकिन ये काम गंदा होता है, इसमें स्मेल बहुत आती है, इस वजह से मैं इसको लाइक नहीं करता। ये काम करना आपके दखनी के बच्चे सेट हो जाएंगे। बाकी यार थोड़ा सा सब्र रखा करो, वीडियो आ जाती है, दरअसल थोड़ा सा एक लेवल से जब बंदा चले ना उसका हिसाब होता है। मैंने अभी 6 वीडियो मेरी बनी पड़ी हुई हैं, मैंने उन्हें अपलोड करना है, लेकिन उन 6 को भी मैंने रोक दिया और मैं आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया करें। बाकी चलें इंशाअल्लाह ताला, मैं आगे ईरानी के भी मैंने पेड़ के ऑर्डर दिए हुए हैं 2-3 पेड़ के, और दखनी के भी, उन पेड़ पर भी बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा था, तो मुझे दोबारा कमेंट करना है, और इसी वीडियो में पार्ट 2 भी बनाऊंगा, वो भी विद इन 5 डेज आ जाएगा। पार्ट 2 में मैं बिल्कुल तफसील से समझाऊंगा, बच्चे दिखाऊंगा अभी आपको मेल फीमेल। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट।